हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करेंगे उसका नाम है सुपर थर्टी तो सुपर थर्टी फिल्म आपको किस तरह से कैसे ऑफिशियली देखने को मिलेगी उसके ऊपर हम बातचीत करने वाले इसके अलावा इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग मिलने वाली है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया जाएगा कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी जानकारी मिलने वाली है साथ ही में फिल्म के डिफरेंट डिफरेंट स्पे के उसके ऊपर चीज़ें शेयर करेंगे इसके अलावा इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं सुपर थर्टी जो दो की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास पहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पर इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में अनय गोस्वामी ने काम किया हुआ फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते जहाँ पर उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुणाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल दे प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधु ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर किया हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मैथिथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मोनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाल के करियर की वन ऑफ़ दी बिगेस्ट फिल्म थी और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहां पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर सुपरसटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह तरीके से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म की दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी साम्बार लिग टाउन में भी की हुई थी कोटा जिस राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएसन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी के वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले से हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहां पे वह रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूजिक कंपोज़ किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जोग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौशाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिणी जनादन धानक दिव्य कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति देसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साहा उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलव पिलवलकर विवेक नायक राहुल तितनीस सौरभ वांखरे जनार्दन धांतरक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिष शाह और मयूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफ़ी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हज़ार दो हज़ार अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पांस मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने हैं तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने आएक, आ, पे एक आई एम डी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन 11 करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म सेकंड डे के ऊपर 18 करोड़ 19 लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया डेज में भी फिल्म ने अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन छः करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छह करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छह करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहाँ पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदह दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक शायद सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में ये फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैंतालीस लाख का और संडे के दिन पाँच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस फिल्म ने डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूसडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेनडे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइनटी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहाँ पे भी फिलहाल काफ़ी बड़ी फिल्म बीच में आ चुकी थी रिलीज़ के वक्त उस वे से भी उसके सामने टिक्के दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ अट्ठाईस लाख का निकला हुआ था जहाँ पे चौथे वीक में इस फिल्म ने वीक डेज में भी कुछ ऐसे ही कलेक्शन करके दिखाया मंडे के दिन 85 फाइव लैक्स ट्यूजडे के दिन 81 वन के दिन 85 और थर्सडे के दिन 80 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथे वीक का कलेक्शन था वो करीबन निकल के आया नौ करोड़ और उनसाठ लाख का उसके बाद में इस फिल्म ने पाँच वीक में एंट्री ली जहाँ पे इस फिल्म का जो पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल तो इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल तो पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छः लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफ़ी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोल स्टार गोल एच चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होस्टार के ऊपर विदाउट लॉइन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विश्व सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा अलावाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से Super 30, फिल्म आप ऑफिशियली सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास पहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हा सिनेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नड़ियाद फिल्म नडियल एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एचआरएक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज़ ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म नड़ियाद नडियद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाल्ड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनय आ, गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुणाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल देख प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधु ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मेथीमेटिशियन थे तो वो उसकी एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मोनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाल के करियर की वन ऑफ़ दी बिगेस्ट फिल्म थी ये और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर साठी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी संभाल लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले से हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूजिक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड को लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था, था। ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जोग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौशाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिनी जनार्दन धानक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति प्रभु देसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वा वांखरे जनार्दन धांत्रक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिषा यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने आएक, आ, पे एक आई एम डी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अट्ठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीकडेज में भी फिल्म ने एक अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन 6 करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहाँ पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदह दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक साइड सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैंतालीस लाख का और डे के दिन पांच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में फिल्म ने वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेन्सडे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहां पे भी फिलहाल काफी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज के वक्त उस वे से भी उसके सामने टिक दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया

पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौह चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छः लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी बढ़िया तरिक, तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओटीटी राइट्स थे वो डिज्नी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर फिल्म इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एच चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटस्टार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार्ड गोल टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सुपर थर्टी फिल्म आप ऑफिशियली ओ टी टी और सेटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो दो की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास बहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पर इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेटिक डेफिनेटली लीव E... प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नड़ियाद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म नड़ियाद नडियद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनई गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते जहाँ पर उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुलाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल दे प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधू ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते हुए नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया है राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मेथिथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मनोनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाल के करियर की वन ऑफ़ दी बिगेस्ट फिल्म थी ये. और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर साटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी संभाल लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से ब्रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविज़न एक्टर नंदित संधु ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूजिक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड को लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जोग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कोसाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिणी जनार्दन धानक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति प्रभुदेसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वा वांखरे जनार्दन धांत्रक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिषाह यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफ़ी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो हज़ार अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा उन्तीस जून दो हजार उन्नीस को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुने तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था 12 जुलाई 2019 को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने एक आई के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस वोट हासिल हुए फिल्म को और सात की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने ते अपना पहला वीकेंड 50 करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीकडेज में भी फिल्म ने एक अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन छः करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्नाली उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीक डेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहां पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैंतालीस लाख का और संडे के दिन पाँच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस फिल्म ने वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेन्स्डे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में फिल्म एंटर हुई वहाँ पे भी फिलहाल काफ़ी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज़ के वक्त उस वजह से भी उसके सामने टिक के दिखाया फ्राइडे के दिन नाइन्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ अट्ठाईस लाख का निकला हुआ था जहाँ पे चौथे वीक में इस फिल्म ने वीकडेज में भी कुछ ऐसे ही कलेक्शन करके दिखाया मंडे के दिन 85 फाइव लेक्स ट्यूजडे के दिन 81 वन वेनजे के दिन 85 और थर्सडे के दिन 80 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथे वीक का कलेक्शन था वो करीबन निकल के आया नौ करोड़ और उनसाठ लाख का उसके बाद में इस फिल्म ने पाँच वीक में एंट्री ली जहाँ पे इस फिल्म का जो पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उनासी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पाँचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन चो, लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहां पे 208 करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी बढ़िया तरिक, तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ टी टी थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर फिल्म इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एचडी चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटस्टार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विध इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सुपर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास पहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमैटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म नडियाद वाला ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यू सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीडका में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में अनई गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुलाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम की वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल दे प्ले करते हुए नज़र आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधू ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भारत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या वा, हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मैथिथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मृणाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मोनोल के करियर की वन ऑफ दी बिगेस्ट फिल्म थी और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर सुपरसटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी साम्बार टाउन में भी की हुई थी कोटा जिस और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके से एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी के वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहां पे वो रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूज़िक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जुग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौशाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरेनी जनादन धानक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति प्रभुदेसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साहा उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलव पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वांखरे जनार्दन धांतरक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिष शाह यश कपूर और मयूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहां पे गानों को अच्छा रिस्पांस मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनें तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने एक आई एम डी पी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अट्ठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड 50 करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीक डेज में भी फिल्म ने अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन छः करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छ करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहां पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदह दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में ये फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैतालीस लाख का और सन्डे के दिन पांच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस फिल्म ने वीकडेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेन्स्डे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहां पे भी फिलहाल काफी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज के वक्त उस वजह से भी उसके सामने टिक के दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ अट्ठाईस लाख का निकला हुआ था जहाँ पे चौथे वीक में इस फिल्म ने वीक डेज में भी कुछ ऐसे ही कलेक्शन करके दिखाया मंडे के दिन 85 फाइव लैक्स ट्यूजडे के दिन 81 वन वेनस्डे के दिन 85 और थर्सडे के दिन 80 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथे वीक का कलेक्शन था वो करीबन निकल के आया नौ करोड़ और उनसाठ लाख का उसके बाद में इस फिल्म ने पाँच वीक में एंट्री ली जहाँ पे इस फिल्म का जो पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो, तो टोटल इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन चो, लाख का निका, निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने तो टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ 94 लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एच चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सुपर थर्टी फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास बहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला और एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीडका में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनई आ, गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो एश्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूजिक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूजिक के राइट्स जी म्यूजिक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुणाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधु ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित साध देखने को मिलते जो रघुनाथ भारत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते हुए नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मैथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थे प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल फोटोग्राफी नवंबर दो हज़ार सत्रह में स्टार्ट की गई थी मोनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाल के करियर की वन ऑफ़ दी बिगेस्ट फिल्म थी और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर सटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी साम्बार लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहली से हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेप अप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविज़न एक्टर नंदित संधु ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूज़िक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाले म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जोग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौशाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरेनी जनादन धानक दिव्य कुमार और चैतल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति देसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल जनार्दन सिंधे अभिषेक जावर निमित शाह यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूज़िक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पांस मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुने तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने आएक, आ, पे एक आई एम के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अट्ठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीक डेज में भी फिल्म ने एक अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन छः करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहाँ पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैतालीस लाख का और के दिन पांच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस ने वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूसडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेन्स्डे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहां पे भी फिलहाल काफी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज के वक्त उस से भी उसके सामने टिकके दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया

पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर फिल्म इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एच चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटस्ट के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा अलावाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सुपर थर्टी फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास पहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पर इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमेटिक लिबर्टीजली डेफिनेटली

प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की कास्ट में ऋतिक रोशन रोनल्ड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में अनय आ, गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुलाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम की वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधू ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर किया हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मेथीमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मोनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाल के करियर की वन ऑफ़ दी बिगेस्ट फिल्म थी है. और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर सटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म की दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी साम्बार लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले से हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेप अप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूज़िक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था, था। ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जोग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौशाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिणी जनार्दन धानक दिव्य कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति देसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साहा उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलव पिलवलकर विवेक नायक राहुल तितनीस सौरभ वांखरे जनार्दन धांतरक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिष शाह और मयूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफ़ी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हज़ार दो हज़ार अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूज़िक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पांस मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने हैं तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने एक आई एम डी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया डेज में भी फिल्म ने अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन छः करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्नाली उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीक डेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहां पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक साइड सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैंतालीस लाख का और संडे के दिन पाँच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस फिल्म ने डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूसडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेनडे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ 94 फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहाँ पे भी फिलहाल काफ़ी बड़ी फिल्म बीच में आ चुकी थी रिलीज़ के वक्त उस वे से भी उसके सामने टिक्के दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ अट्ठाईस लाख का निकला हुआ था जहाँ पे चौथे वीक में इस फिल्म ने वीक डेज में भी कुछ ऐसे ही कलेक्शन करके दिखाया मंडे के दिन 85 फाइव ट्यूसडे ट्यूजडे के दिन 81 वन के दिन 85 और थर्सडे के दिन 80 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथे वीक का कलेक्शन था वो करीबन निकल के आया नौ करोड़ और उनसाठ लाख का उसके बाद में इस फिल्म ने पाँच वीक में एंट्री ली जहाँ पे इस फिल्म का जो पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल पा... इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छः लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफ़ी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोल स्टार गोल एच चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विश्व सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा अलावाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से Super 30, फिल्म आप ऑफिशियली सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास पहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हा सिनेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नड़ियाद वाला ग्रेंड सन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एचआरएक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज़ ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म नड़ियाद नडियद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनय आ, गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुलाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल देख प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधु ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते हुए नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या वा, हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मेथीमेटिशियन थे तो वो उसकी एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मनोनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाल के करियर की वन ऑफ दी बिगेस्ट फिल्म थी ये और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे सुपर सटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी संभार लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएसन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी के वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहली ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहां पे वो रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूजिक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाले म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जोग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौशाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिनी जनार्दन धानक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति प्रभु देसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वा वांखरे जनार्दन धांत्रक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिषा यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफ़ी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो हज़ार अट्ठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून दो हजार उन्नीस को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुने तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने एक आई एम डी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अट्ठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने ते अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीकडेज में भी फिल्म ने अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन 6 करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहाँ पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदह दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक साइड सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैंतालीस लाख का और डे के दिन पांच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में फिल्म ने वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेनडे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहां पे भी फिलहाल काफी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज के वक्त उस वे से भी उसके सामने टिकके दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया

पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल पा... इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौह चो, चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छः लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओटीटी राइट्स थे वो डिज्नी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर फिल्म इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एच चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटस्टार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास बहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नड़ियाद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म नड़ियाद नडियद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनई गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुणाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधु ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते हुए नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया है राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मेथिथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मनोनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाल के करियर की वन ऑफ़ दी बिगेस्ट फिल्म थी है. और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे सुपरसटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म की दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी संभार लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके से एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी के वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले से हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहां पे वो रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूज़िक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड को लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जोग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कोसाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिणी जनार्दन धानक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति प्रभुदेसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वा वांखरे जनार्दन धांत्रक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिसा यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो हजार अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहां पे गानों को अच्छा रिस्पांस मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुने तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने आएक, आ, पे एक आई एम डी पी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहां पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन 11 करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अट्ठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीक डेज में भी फिल्म ने एक अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन 6 करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्नाली उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीक डेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहां पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में ये फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैंतालीस लाख का और संडे के दिन पाँच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस फिल्म ने वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेन्स्डे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में फिल्म एंटर हुई वहाँ पे भी फिलहाल काफ़ी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज़ के वक्त उस वे से भी उसके सामने टिक के दिखाया फ्राइडे के दिन नाइन्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ अट्ठाईस लाख का निकला हुआ था जहाँ पे चौथे वीक में इस फिल्म ने वीकडेज में भी कुछ ऐसे ही कलेक्शन करके दिखाया मंडे के दिन 85 फाइव लेक्स ट्यूजडे के दिन 81 वन वेनजे के दिन 85 और थर्सडे के दिन 80 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथे वीक का कलेक्शन था वो करीबन निकल के आया नौ करोड़ और उनसाठ लाख का उसके बाद में इस फिल्म ने पाँच वीक में एंट्री ली जहाँ पे इस फिल्म का जो पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उनासी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पाँचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीब छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहां पे 208 करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ टी टी थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर फिल्म इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एचडी चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विध इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सुपर फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास बहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नड़ियाद वाला ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म नड़ियाद वाला ग्रेंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यू सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनई गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये श्रीकार प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज़ किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते जहाँ पर उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुणाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम की वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल दे प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधू ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भारत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या वा, हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मैथिथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मृनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मोनाल के करियर की वन ऑफ दी बिगेस्ट फिल्म थी और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर सुपरसटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह तरीके से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी साम्बार टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ... बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी के वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहां पे वह रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूजिक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जुग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौशाल ने पैसा गाने को विशाल ददलाने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिणी जनादन अंतरक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति प्रभुदेसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साहा उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल वांखरे जनार्दन धान गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिष शाह यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पांस मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनें तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने आएक, आ, एक आई एम डी पी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हजार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहां पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन 11 करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म सेकंड डे के ऊपर अठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया विक डेज में भी फिल्म ने अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन 6 करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहां पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदह दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में ये फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैतालीस लाख का और सन्डे

वहाँ पे भी फिलहाल काफ़ी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज़ के वक्त उस वैसे भी उसके सामने टिक्के दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ अट्ठाईस लाख का निकला हुआ था जहाँ पे चौथे वीक में इस फिल्म ने वीक डेज में भी कुछ ऐसे ही कलेक्शन करके दिखाया मंडे के दिन 85 फाइव ट्यूसडे ट्यूजडे के दिन 81 वन के दिन 85 और थर्सडे के दिन 80 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथे वीक का कलेक्शन था वो करीबन निकल के आया नौ करोड़ और उनसाठ लाख का उसके बाद में इस फिल्म ने पाँच वीक में एंट्री ली जहाँ पे इस फिल्म का जो पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो, तो टोटल इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ 94 लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एच चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस स्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सुपर थर्टी फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास बहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला और एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनई आ, गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स दोनों कम्पोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुणाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल दे प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधू ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित साध देखने को मिलते जो रघुनाथ भारत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते हुए नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मल्लिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति शेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मैथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थे प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल फोटोग्राफी नवंबर दो हज़ार सत्रह में स्टार्ट की गई थी मोनल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मोनाल के करियर की वन ऑफ़ दी बिगेस्ट फिल्म थी और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे सुपरसटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी संभाल लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएसन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी के वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले से हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहां पे वो रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूज़िक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाले म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था लिस्टिंग करे पहला गाना जुग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कोसाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिणी जनादन धानक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति देसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वांखरे जनार्दन धांत्रक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिषा यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो हजार अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूज़िक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहां पे गानों को अच्छा रिस्पांस मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने हैं तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने एक आई एम के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अट्ठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया बिग डेज में भी फिल्म ने एक अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन छः करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छह करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहाँ पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदह दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैतालीस लाख का और के दिन पांच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस ने वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूसडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेनस्डे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहां पे भी फिलहाल काफी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज के वक्त उस से भी उसके सामने टिकके दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया

पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल तो इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होस्टार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल थर्टी नाम के साथलाइट वर्जन है ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस स्टार के ऊपर विदाउट लॉगन विदाउट सब्सक्रिप्शन सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा अलावाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सुपर थर्टी फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास पहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पर इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमेटिक लिबर्टीजली डेफिनेटली

प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहां पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म्स नडियाद वाला ग्रैंड एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमेटोग्राफी में अनय गोस्वामी ने काम किया हुआ फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को एक मिनट का यानी कि दो घंटे पैंतीस मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूजिक कंपनी वालों ने ख़रीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुलाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम की वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल देख प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधु ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते हुए नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर किया हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मेथीमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मोनाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाड के करियर की वन ऑफ़ दी बिगेस्ट फिल्म थी है. और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फ़िल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर सटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म की दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी साम्बार लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले से हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेप अप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूजिक कंपोज़ किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हजार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जुग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौसाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरेनी जनार्दन धानक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे प्रभु देसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वा वांखरे जनार्दन धांत्रक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिषा यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफ़ी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो हज़ार उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून दो हज़ार उन्नीस को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली हैं तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था 12 जुलाई 2019 को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने एक आई एम डी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ के चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन 11 करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते ये फिल्म सेकंड डे के ऊपर 18 करोड़ 19 लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीकडेज में भी फिल्म ने अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन 6 करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्नाली उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीक डेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहां पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक साइड सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पर फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैंतालीस लाख का और संडे के दिन पाँच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस फिल्म ने वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेन्स्डे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहाँ पे भी फिलहाल काफ़ी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज़ के वक्त उस वे से भी उसके सामने टिक दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथा वीकेंड था वो फिल्म का करीबन छः करोड़ अट्ठाईस लाख का निकला हुआ था जहाँ पे चौथे वीक में इस फिल्म ने वीकडेज में भी कुछ ऐसे ही कलेक्शन करके दिखाया मंडे के दिन 85 फाइव लेक्स ट्यूजडे के दिन 81 वन वेनजे के दिन 85 और थर्सडे के दिन 80 लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते चौथे वीक का कलेक्शन था वो करीबन निकल के आया नौ करोड़ और लाख का का उसके बाद में में इस इस फिल्म ने पांच में इस फिल्म ने वीक एंट्री ली पे जो वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवां वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ राइट्स थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सेटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिज्नी प्लस होटार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विद्स वहां पर अवेलेबल प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एचडी चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटस्ट के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा अलावाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से Super 30, फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी टी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास पहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हा सिनेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नड़ियाद वाला ग्रेंड सन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एचआरएक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज़ ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म नड़ियाद वाला ग्रैंड सन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर एक्स फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यूएस सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीड कास्ट में ऋतिक रोशन रोनाल्ड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनय आ, गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड को सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुणाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल देख प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदिस संधु ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते हुए नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मैथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थी प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मृणाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाड के करियर की वन ऑफ दी बिगेस्ट फिल्म थी और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहां पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर सुपरसठी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी साम्बारिक टाउन में भी की हुई थी कोटा स्थान और जयपुर में जहां पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ... बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके से एक से प्रॉपर एक पटना का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी के वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले से हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से रेपअप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविजन एक्टर नंदित संधू ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहां पे वह रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूजिक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड को लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाला म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था, था। ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जुग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कौशाल ने पैसा गाने को विशाल ददलानी ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरेनी जनादन धान दिव्य कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति देसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलव पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वांखरे जनार्दन धांत गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिष शाह यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफ़ी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो हज़ार अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहाँ पे गानों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुनने तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज़ किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने आएक, आ, पे एक आई एम डी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अट्ठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने ते अपना पहला वीकेंड पचास करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीकडेज में भी फिल्म ने एक अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन 6 करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहाँ पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में ये फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैतालीस लाख का और सन्डे के दिन पांच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस फिल्म वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेनडे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहां पे भी फिलहाल काफी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज के वक्त उस वजह से भी उसके सामने टिक दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया

पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पांचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो टोटल टो इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौह चौवन लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी बढ़िया तरिक, तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओटीटी राइट्स थे वो डिज्नी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर फिल्म इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एच चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटस्टार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विथ इंग्लिश सब हिंदी वर्जन में डिजनी प्लस स्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा सेटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड टू चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर थर्टी नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से ऑफिशियली टी टी और सेटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो सुपर थर्टी जो 2019 की एक हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म है इस फिल्म को डायरेक्ट किया विकास बहल ने कहानी को लिखा हुआ है संजीव दत्ता ने और ये कहानी आनंद कुमार जिन्होंने ये सुपर थर्टी नाम का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था एक मैथमेटिशियन एजुकेटर है उनके ऊपर कहानी को डेवलप किया हुआ है तो उनकी ओरिजिनल कहानी है उसको बायोग्राफी के तौर पे इसमें बनाया हुआ है हाँ सिनेमेटिक लिबर्टीज डेफिनेटली ली हुई है प्रोडक्शन में फैंटम फिल्म्स नड़ियाद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट और एच फिल्म प्रोडक्शन कंपनीज ने साठ करोड़ के बजट में इस फिल्म को बनाया हुआ है जहाँ पे इस फिल्म को फैंटम फिल्म नड़ियाद वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट रिलायंस एंटरटेनमेंट एच आर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे करीबन साठ करोड़ के बजट में यू सर्टिफिकेट के साथ प्रोड्यूस किया था डिस्ट्रीब्यूशन करवाया था इस फिल्म के को प्रोड्यूसर यानी कि रिलायंस एंटरटेनमेंट ने वहीं पे इस फिल्म की लीडका में ऋतिक रोशन रोनाड ठाकुर थे इसके अलावा सिनेमाटोग्राफी में अनई गोस्वामी ने काम किया है फिल्म की एडिटिंग है वो ये प्रसाद ने की हुई है जिन्होंने इस फिल्म को 155 मिनट का यानी कि दो घंटे 35 मिनट का रन टाइम दिया हुआ है इसके अलावा इस फिल्म में जो म्यूज़िक डिपार्टमेंट है उसमें अजय अतुल ने काम किया हुआ है जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए म्यूज़िक के राइट जी म्यूज़िक कंपनी वालों ने खरीदे हुए इसके अलावा इस फिल्म की जो कास्टिंग है उसके ऊपर डिटेलिंग में बातचीत करें तो लीड रोल में आपको ऋतिक रोशन देखने को मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने आनंद कुमार का रोल प्ले किया हुआ है इसके अलावा मुरुणाल ठाकुर ने सुप्रिया सिंह का रोल प्ले किया हुआ है जो एक प्रोफेशनल डांसर है आनंद का लव इंटरेस्ट है और पुरुषोत्तम के वाइफ का रोल था इसके अलावा वीरेंद्र सक्सेना आपको राजेंद्र प्रसाद कुमार का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे जो आनंद और प्रणव के फादर का रोल था इसके अलावा इस फिल्म में नंदिता नंदी संधू ने काम किया है प्रणव कुमार के रोल में जो आनंद के भाई का रोल था इसके अलावा आदित्य श्रीवास्तव आपको ललन सिंह का रोल प्ले करते नजर आएंगे जो श्री राम का एविल असिस्टेंट था साधना सिंह ने जयंती कुमार का रोल प्ले किया जो आनंद और प्रणव की हार्डवर्किंग माँ थी पंकज त्रिपाठी ने इस फिल्म में श्री राम सिंह का रोल प्ले किया जो एक लोकल मिनिस्टर था विजय वर्मा ने फुग्गा कुमार का रोल प्ले किया हुआ है जो आनंद का स्टूडेंट था इसके अलावा इस फिल्म में आपको अमित शाह देखने को मिलते जो रघुनाथ भरत का रोल प्ले करते नजर आते जो एक रिपोर्टर का रोल था अनुज सिंह ढाका इस फिल्म में रघुनाथ के एड का रोल प्ले करते हुए नजर आए शरद सोनू ने इस फिल्म में हादिम मलिक का रोल प्ले किया जो श्री राम के सेक्रेटरी थे मानव गोहिल ने मानव गोहिल ने आई पुरुषोत्तम सिंह का रोल प्ले किया जो सुप्रिया का हस्बैंड था आयुष कुमार शुक्ला ने इस फिल्म में विनोद का रोल प्ले किया है राहुल राज ने किशोर का रोल प्ले किया है धर्मवीर जाखर ने सोशल एक्टिविस्ट का रोल प्ले किया है दीपाली गौतम ने कुसुम का रोल प्ले किया अली हाजी ने पृथ्वी का रोल प्ले किया है राजेश शर्मा ने बच्ची का रोल प्ले किया है करिश्मा शर्मा ने इसमें आइटम नंबर क्या हुआ है पैसा वाला गाना था उसमें विवेक झा ने विलेजर का रोल प्ले किया है कृति सेट्टी जो फिलहाल में हीरोइन बन चुकी है उस फिल्म में एक स्टूडेंट का रोल प्ले किया था जो कोचिंग सेंटर वो चला रहे थे सुपर थर्टी का आज अनंत कुमार जो एक सक्सेसफुल मेथिथमेटिशियन थे तो वो उसके एक ब्रिलियंट एक्सीलेंट स्टूडेंट थे प्रोडक्शन हाउ प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत कर प्रिंसिपल ऑफ फोटोग्राफी नवंबर 2017 में स्टार्ट की गई थी मृणाल ठाकुर को ऋतिक रोशन के अपोजिट कास्ट किया हुआ था मनोनाल के करियर की वन ऑफ दी बिगेस्ट फिल्म थी ये और ऋतिक रोशन के साथ उनकी पहली फिल्म थी जहाँ पे इस फिल्म को रामनगर फोर्ट में शूट किया हुआ था जहाँ पे आ, सुपर साटी का इंस्टीट्यूट जिस तरह था था उसी तरह की से एक, एक सेट तैयार किया हुआ था इसके बाद में इस फिल्म के दस दिनों की शूटिंग शूटिंग थी संभाल लेक टाउन में भी की हुई थी कोटा राजस्थान और जयपुर में जहाँ पे इस फिल्म में आपको दस करोड़ का एक सेट बनता हुआ नजर आएगा पटना सिटी तैयार की हुई थी आ, बिहार की जहाँ पर पूरी शूटिंग मुंबई में की हुई थी उसको दस करोड़ खर्च करके एक से प्रॉपर एक पटना प् का रिक्रिएशन किया हुआ था सेकंड शेड्यूल था वो वाराणसी वाराणसी का रखा हुआ था उसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में शूट किया हुआ था जिसको जून 2018 तक कंप्लीट करवाया था और पहले ऐसी हिंदी फिल्म थी जिसको यूनिवर्सिटी में कैंपस में शूटिंग करने की परमिशन मिली थी इसके अलावा इस फिल्म का पूरी तरह से ब्रेप अप किया था सेप्टेम्बर दो को इसमें टेलीविज़न एक्टर नंदित संधु ने अपना डेब्यू किया हुआ था जहाँ पे रोशन का यंगर ब्रदर जो उनको सपोर्ट करते वो वाला किरदार उन्होंने प्ले किया हुआ था तो इस तरह से प्रोडक्शन के ऊपर काम किया गया था साउंड ट्रैक के ऊपर बातचीत करें अजय अतुल के द्वारा म्यूजिक कंपोज किया हुआ गया था बैकग्राउंड स्कोर लिरिक्स सभी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई थी जहाँ पे लिरिक्स में अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स आपको देखने को सुनने को मिलेंगे जहाँ पे कहानी के इसमें पाँच गाने रखे हुए टोटल बीस मिनट उन्नीस सेकंड के जी म्यूजिक कंपनी वाले म्यूजिक के राइट्स रखे हुए थे दो हज़ार में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था ट्रैक लिस्टिंग करे पहला गाना जुग्राफिया उसको गाया था उदित नारायण श्रेया कोसाल ने पैसा गाने को विशाल ने गाया था बसंती नो डांस करके गाना था उसको प्रेम अरिणी जनादन धानक दिव्या कुमार और चैतिल्य परमा ने गाया हुआ था क्वेश्चन मार्क गाने को ऋतिक रोशन ने गाया था नियम हो गाने को आरोही महात्रे अदिति प्रभुदेसाई प्रगति जोशी मैथाली पानसे सोनल नायक रुचा सोमन दीप्ति रेज दीपांशी नागर एन फर्नांडीज डॉक्टर पल्लवी श्याम सुंदर शिविका राजेश रिद्धि संपत किंजल साह उमेश जोशी विजय धूरी मंदार पिलवा पिलवलकर विवेक नायक राहुल चितनीस सौरभ वांखरे, जनार्दन धांतरक गौरव मेंदतवाल चैतन्य सिंधे अभिषेक जावर निमिष शाह यश कपूर और मायूक पारिक ने गाया हुआ है तो काफ़ी सारे सिंगर्स इस गाने में लगे थे इन गानों को टोटल दो हजार दो हज़ार अठारह उन्नीस में रिकॉर्ड किया गया था जिसकी लेंथ थी बीस मिनट उन्नीस सेकंड जी म्यूजिक के द्वारा 29 जून 2019 को सभी गाने ऑफिशियली रिलीज़ करवा दिए गए थे जहां पे गानों को अच्छा रिस्पांस मिला था ये सभी गाने अगर आपको फिलहाल में ऑफिशियली सुने तो सुन सकते हो जी म्यूजिक कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर फिल्म की रिलीज़ के ऊपर बातचीत करें तो फिल्म को रिलीज़ किया गया था बारह जुलाई दो को सिर्फ हिंदी वर्जन में जब इस फिल्म को रिलीज किया गया था तब एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था जिसके चलते इस फिल्म ने आएक, आ, पे एक आई एम डी पी के ऊपर एक रिस्पेक्टेड रेटिंग हासिल की करीबन छत्तीस हज़ार वोट हासिल हुए फिल्म को और सात पॉइंट नौ की रेटिंग हासिल हुई दस में से और बॉक्स ऑफिस पे भी काफ़ी कमाल किया था पहले दिन इस फिल्म ने एक डिसेंट अमाउंट ऑफ कलेक्शन किया था लेकिन वर्ड ऑफ माउथ की चलते इस फिल्म ने एक लंबा रन लिया था और बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जहाँ पे इस फिल्म को फ्राइडे के दिन पहले दिन करीबन ग्यारह करोड़ तिरासी लाख का नेट कलेक्शन हुआ था इंडिया से सैटरडे के दिन उसमें फिफ्टी थ्री फिफ्टी फोर परसेंट की बढ़ोतरी देखने को मिली थी जहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के चलते फिल्म सेकंड डे के ऊपर अट्ठारह करोड़ उन्नीस लाख का कलेक्शन की संडे के दिन कलेक्शन और बढ़ा और फिल्म ने बीस करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने ते अपना पहला वीकेंड 50 करोड़ छिहत्तर लाख का दर्ज किया वीकडेज में भी फिल्म ने एक अच्छा होल्ड पकड़ के रखा था मंडे के दिन छः करोड़ बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन छः करोड़ उन्ना उनचालीस लाख का वेन्स्डे के दिन छः करोड़ सोलह लाख और थर्सडे के दिन पाँच करोड़ और बासठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का पहला वीक पचहत्तर करोड़ पिचासी लाख का निकला था सेकंड वीकेंड में इस फिल्म ने फ्राइडे के दिन चार करोड़ बावन लाख का कलेक्शन किया संडे के दिन आठ करोड़ तिरपन लाख का और सैटरडे के दिन और संडे के दिन ग्यारह करोड़ अड़सठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म का जो सेकंड वीकेंड था वो चौबीस करोड़ तिहत्तर लाख का निकला हुआ था और वीकडेज में भी इस फिल्म ने स्टेडी परफॉर्मेंस दिखाया जहां पे इलेवन डेज ग्यारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ साठ लाख का बारहवें दिन के ऊपर तीन करोड़ चौंतीस लाख का तेरहवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ सोलह लाख और चौदवें दिन के ऊपर फिल्म ने तीन करोड़ तीन लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते फिल्म का सेकंड वीक साइड सैंतीस करोड़ छियासी लाख का निकला हुआ था जब थर्ड वीक में फिल्म आई तीसरे वीकेंड में वहाँ पे इस फिल्म ने एक अच्छा अमाउंट ऑफ कलेक्शन फिर से करके दिखाया है जहाँ पे फ्राइडे के दिन फिल्म ने दो करोड़ चौहत्तर लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन चार करोड़ सैंतालीस लाख का और सन्डे के दिन पांच करोड़ इकसठ लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते तीसरा वीकेंड बारह करोड़ बाईस लाख का निकला हुआ था तीसरे वीक में इस ने वीक डेज में थर्ड मंडे के ऊपर कलेक्शन करीबन किया हुआ था वो था एक करोड़ उनचालीस लाख का ट्यूजडे के ऊपर एक करोड़ पैंतीस लाख का वेन्स्डे के ऊपर एक करोड़ सैंतालीस लाख का थर्सडे के ऊपर एक करोड़ इक्यावन लाख का इसके चलते इस फिल्म ने अपना तीसरा वीक सत्रह करोड़ नाइन्टी फोर लाख का करके दिखाया हुआ था चौथे वीक में जब फिल्म एंटर हुई वहां पे भी फिलहाल काफी बड़ी फिल्में बीच में आ चुकी थी रिलीज के वक्त उस वजह से भी उसके सामने टिकके के दिखाया फ्राइडे के दिन 96 लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन दो करोड़ दस लाख का संडे के दिन तीन करोड़ बाईस लाख का कलेक्शन किया

पांचवा वीकेंड था उसमें फ्राइडे के दिन फिफ्टी सिक्स लाख का कलेक्शन किया सैटरडे के दिन एक करोड़ तेरह लाख का कलेक्शन संडे के दिन एक करोड़ उन्सी लाख का कलेक्शन किया जिसके चलते इस फिल्म ने अपना पाँचवा वीकेंड तीन करोड़ अड़तालीस लाख का दर्ज किया उसके बाद में इस फिल्म ने मंडे के दिन करीबन बानवे लाख का कलेक्शन किया ट्यूसडे के दिन चौवालीस लाख का वेनस्डे के दिन पचपन लाख का और थर्सडे के दिन पंद्रह लाख का तो, तो टोटल इस फिल्म ने अपना जो पाँचवा वीकेंड था वो पाँच करोड़ चौवन चो, लाख का निकाला निकाला हुआ था जिसके चलते इस फिल्म ने टोटल पैंतीस दिनों के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से एक करोड़ अठहत्तर लाख का कलेक्शन किया हुआ था छठे वीक में इस फिल्म ने तेरह लाख का कलेक्शन किया सातवें वीक में दो लाख का और आठवें वीक में एक लाख का जिसके चलते इस फिल्म ने अपना लाइफ टाइम कलेक्शन इंडिया से निकाला था वो था एक करोड़ नाइन्टी लाख तो इस तरह से इतना नेट कलेक्शन निकाला जिसका ग्रोस हुआ था एक करोड़ सतासी लाख और इसमें इस फिल्म ने करीबन छत्तीस करोड़ छह लाख का ग्रोस कलेक्शन किया जहाँ पे दो करोड़ तिरानवे लाख का ग्रोस कलेक्शन करते हुए ये फिल्म साठ करोड़ के बजट के सामने काफी बड़ी तरिक, बढ़िया तरीके से बॉक्स ऑफिस पे सक्सेसफुल फिल्म साबित हुई जिसके ओ टी टी थे वो डिजनी प्लस और स्टार वालों ने खरीदे हुए थे सैटेलाइट राइट्स थे वो स्टार गोल्ड के पास थे जहाँ पे फिलहाल में ये फिल्म बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली डिजनी प्लस होटस्टार के ऊपर अवेलेबल किए हुए हैं वहां पे आप आसानी से इस फिल्म को फ्री में इंजॉय कर सकते हो विदाउट सब्सक्रिप्शन विदाउट लॉग इन वहां पर फिल्म इंग्लिश सब के साथ हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सुपर थर्टी नाम के साथ फिल्म का हिंदी सेटेलाइट वर्जन है वो आपको बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा स्टार गोलो स्टार गोल एचडी चैनल के ऊपर तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि सुपर थर्टी फिल्म फिलहाल में बिल्कुल फ्री में ऑफिशियली आपको देखने को मिलेगी डिज्नी प्लस होटस्टार के ऊपर विदाउट लॉग इन विदाउट सब्सक्रिप्शन ये फिल्म विध इंग्लिश सबटाइटल हिंदी वर्जन में डिज्नी प्लस और स्टार के ऊपर देखने को मिल जाएगी इसके अलावा सैटेलाइट वर्जन है वो आपको स्टार गोल्ड स्टार गोल्ड 2 चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में सुपर 30 नाम के साथ प्रीमियर होता हुआ नजर आएगा तो इस तरह से सुपर 30 फिल्म आप ऑफिशियली ओटीटी और सैटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में देख सकते हो तो बस दाइज सुपर थर्टी फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म को किस तरह से कैसे ऑफिशियली देख सकते हैं उसकी जानकारी दी हुई है फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है साथ ही में इस फिल्म की अलग अलग जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर बातचीत की हुई आर्टिस्ट के बारे में बातचीत की हुई और फिल्म से जुड़े अलग अलग जो तथ्य थे वो भी मैंने शेयर कर दिए तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू